चिंता छोड़ दो, ऐसा भी देवर्षि नारद कहे थे। और भी आगे कहे, एष्यसि, वापस लौटेगा। तो इस बात का जब स्मरण किए, स्मरण हुआ तो हर्षित हुए राजा इस समाचार से, हाँ हाँ ध्रुव लौट रहा है। तो वैसे एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने देखा या उसने सुना या देखा होगा, तो वो व्यक्ति आके राजा के दरबार में ये समाचार दिया था कि हाँ ध्रुव महाराज, ध्रुव लौट रहा, ध्रुव इज कमिंग बैक। तो राजा इतने हर्षित हुए, जितने प्रसन्न हुए, तो जो संदेशवाहक था, समाचार लेके आया हुआ, उसे बड़े बेहद खुश हुए राजा। और हारम प्रादात महाधनम, एक विशेष मूल्यवान एक हार पुरस्कार में दिया, उसका मुंह मीठा किया, ऐसा समाचार तुम लाए, कुछ खाने पीने को पकवान भी दिए होंगे और साथ में पहनने को एक विशेष, उसका सत्कार सम्मान किया और मूल्यवान हार दिया, समाचार खुशखबरी लेके आए हो। या जैसे हनुमान भी जब तो सीता के खोज के लिए गए थे और सीता का पता लगवा के जब वे आए राम के पास, पता चला, पता, हाँ हाँ यस यस पता चला, तो सारा समाचार सुनाया, सीता है, कहाँ है वगैरह सारा पता। तो ये समाचार राम जब सुने तो से उन्होंने कहा कि आओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस सेवा से, मैं इस वक्त अगर अयोध्या में होता तो बहुत बड़ा पुरस्कार तुमको दे देता, कोई विशेष भेंट देता तुम्हें, लेकिन मैं तो यह वनवासी हूँ, मेरे पास तो यह कुछ भी नहीं है, वनवासी जो मैं हूं, तो मैं क्या दे सकता हूं। ऐसा कह के ऐसे राम फिर कहे, हे हनुमान, मेरे आलिंगन को ही स्वीकार करो। ऐसा कह के प्रभु राम ने हनुमान को अपने बाहुपाश में धारण किया, गले लगाया। फिर और कौन सा, तो काम हने आड़ी न उरेची वेगड़ी। भगवान ने जब भक्त को आलिंगन ही, गाढ़ आलिंगन ही दिया तो बस और क्या चाहिए। तो राम ने हनुमान जो समाचार लाए थे उसका स्वागत किया और अभिनंदन किया और पुरस्कृत किया अपने आलिंगन से। तो राजा ने भी, उत्तानपाद राजा ने भी इस व्यक्ति का स्वागत और पुरस्कृत किया है और झट से कई सारे घोड़े तैयार किए, विशेष विशेष घोड़े और विशेष रथ उसमें विराजमान होके, उसमें उसे उसमें बिठा के देखते आगे किस में बिठाते हैं ध्रुव महाराज को। स्वर्ण जटित विशेष रथ, जैसे अर्जुन का भी विशेष रथ था, महाभारत में कहा है या गीता के प्रथम अध्याय में ही कहा है, श्वेतैर्हयैर्युक्ते
महति शंदने स्थित श्वेतैर हयैर युक्ते, सफेद घोड़े थे और महति शंदने स्थित और महान विशेष रत्न जड़ित रथ को घोड़े खींच रहे थे और उसमें विराजमान थे। माधवः पांडवश्चैव, माधव और पांडव कृष्ण और अर्जुन, दिव्यौ शंखो प्रदद्मतु, और उन दोनों ने अपने दिव्य शंख की ध्वनि की। पांचजन्यम ऋषिकेशः, ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्तः धनंजयः, धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। तो वहाँ पर जो विशेष रथ महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ, तो यहाँ पर विशेष रथ की तैयारी किए हैं और साथ में अब सभी नगर के वासी जाएंगे। ब्राह्मण, साथ में ब्राह्मण जा रहे हैं, कुल वृद्धैश्च, अपने कुल के बुजुर्ग वृद्ध, अमत्या बंधु भी, सारे मंत्रीगण मित्र मंडली उनसे घिरे हुए। तो राजा मध्य में है, ब्राह्मण है, मंत्रीगण है, पुरोहित है, ये सारा प्रोसेशन आगे बढ़ रही है। ऐसा वर्णन कई स्थानों पर आता है, जब वैसे राम लंका से लौट रहे थे तो, और जब पता चला, भरत को पता चला, तो वहाँ पर ही सारी खलबली मच गई और सभी तैयार हो गए। भरत ने राम की पादुका अपने सिर पर, मस्तक पर रखी और ब्रह्म घोषेण वेणु भी, तो कई सारे वाद्य बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, दुंदुभिया बज रही है, वेणु बज रही है, उनके साथ ये सब मंगलमय वातावरण है, मंगल वाद्य बज रहे हैं। निश्चक्राम पुरा तूर्णम, तो नगरी से इन सभी के साथ इस शोभा यात्रा में ध्रुव महाराज के की आगवानी करने के, स्वागत करने हेतु सभी बड़े बड़े उत्कंठित है, बड़े उत्सुक है। होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, कितने सारे, बहुत समय बीत गया, अभी आ रहा है, और तो सभी स्नेही जन जा रहे हैं। सुनीति ही सुरुचि च अश्य महिषो रुक्म भूषितै, तो नगर की सारी स्त्रियां ऐसे सज धज के समलंकृत होके उस स्वागत शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। आरुह्य शिविकाम, और जो दो रानियां हैं सुरुचि और सुनीति, उनके लिए पालकी की व्यवस्था है। वो बाकी स्त्रियां तो चल के जा रही है, लेकिन ये रानियां पालकी में उनको ढो के ले जा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज वन से
चलते हुए लौट रहा है और यहाँ से सारा नगर, राजा और प्रजा, माताएं, बंधु भ्राता उत्तम, वे सभी जा रहे नगर के बाहर।